हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ लैक्मे फाउंडेशन का रिव्यू, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा। और ये कैसी कवरेज देता है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमें फाउंडेशन को अप्लाई करना चाहिए या ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना चाहिए और किस चीज से ये अच्छी कवरेज देता है, ये सभी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये आता है ग्लास बॉटल में, आप देख सकते हैं मरून कलर की इसकी लिड है और कुछ ये ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल में आता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और मेरा जो शेड है नेचुरल मार्बल है। आई नो कि ये मेरा परफेक्ट शेड नहीं है, मेरी स्किन टोन के हिसाब से नहीं है, बट आप जानते ही हैं कि इस रेंज में फाउंडेशन की जो शेड्स है बहुत ही कम आती है। और अगर मैं और शेड्स की अगर बात करूं तो सभी इंडियन स्किन टोन के हिसाब से इसकी रेंज नहीं है शेड्स की, तो इसलिए मैं ये वाली शेड ही मुझे मिली है। मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझे सभी जगह यही वाला शेड ज्यादा मिल रहा था। मैंने ये नॉर्मल मार्केट से परचेज किया है, तो इसकी लिंक मैं वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। और अगर मैं यहां पर प्राइस की बात करूं तो मुझे ये 150 रुपीज के प्राइस में मिल गया था, काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गया था। 150 रुपीज काफी है। और मैं अगर क्वांटिटी की अगर बात करूं तो मुझे इसमें 27 ml की प्रोडक्ट मिली है, तो इसमें आपको 27 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आराम से आपकी एक महीना ये चल सकती है बॉटल। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इजीली इसे बैग में कैरी कर सकते हैं। बस ये ग्लास की बॉटल है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल तो रहना पड़ेगा इसके साथ। तो चलिए मैं अभी इसे अप्लाई कर दिखा देती हूँ। तो यहां पर मैं सबसे पहले अपने लेग पे फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले मैं लगाऊंगी अपने फेस पर प्राइमर। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर चुकी हूं और कोई भी फाउंडेशन या कोई भी अगर आप मेकअप करते हैं तो आपको प्राइमर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्राइमर से आपका जो बेस है वो एकदम फ्लॉलेस बन जाता है। काफी स्मूथली आप उस पर फाउंडेशन या कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैक का प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूं। तो मेरे यहां पर पास में दो ही प्राइमर है, सिर्फ पतंजलि का एलोवेरा जेल है और मैक का प्राइमर है। तो मैं यहां पर मैक का प्राइमर अप्लाई कर रही हूं। इसे अच्छे से मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। अब मैं इसे एक मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी, लगा रहने दूंगी। और अब मैं इस बॉटल को थोड़ा सा शेक कर लूंगी। इसके बाद मैं फाउंडेशन को अप्लाई करूंगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी रनी है, तो इसलिए आप बड़ा ध्यान से लीजिए इसे प्रोडक्ट को जब भी आप लें। और अब मैं यहां पर अपने फाउंडेशन को अप्लाई कर ली हूं। पहले मैं यहां पर डॉट डॉट करते हुए लगा लूंगी और इसके बाद मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लूंगी पूरे फेस पर। अब मैं सबसे पहले इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी। और जब भी आप लिक्विड फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा ब्रश की हेल्प से अगर ब्लेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक मार्क्स रह जाते हैं थोड़े बहुत, तो इसीलिए मैं बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे टैप टैप करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और ये वाला फाउंडेशन सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है, इसे आप रेगुलर में भी यूज कर सकते हैं, अगर डेली में यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे थोड़ा सा टैप टैप कर लूंगी ताकि जो भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत रह गया है ब्रश की हेल्प से, तो वो अच्छे से एकदम से स्मूथ लगे, क्योंकि ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा स्मूथ नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने इसलिए इसे यहां पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर रही हूं। थोड़ा सेट कर लूंगी मैं इसे। और वैसे इसकी कवरेज मुझे अच्छी लगी है और मीडियम कवरेज देता है ये आपको। और अब मैं इसी लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से इसे सेट कर लूंगी। और इसमें सिर्फ कुछ ही शेड अवेलेबल है, तो मुझे एकदम से मेरी स्किन टोन के हिसाब से परफेक्ट शेड नहीं मिला था, तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें शेड और नहीं है। तो ये देखिए मैंने सेट कर लिया है। और मुझे सिर्फ इस फाउंडेशन की एक चीज अच्छी नहीं लगी है कि आपके लिड पर ये प्रोडक्ट लग जाता है तो काफी वेस्टेज हो जाती है प्रोडक्ट की, और ना ही इसके साथ कोई ऐसा एप्लीकेटर वगैरह मिला है जिससे आप इजीली इसे अप्लाई कर पाए। और ये फेयर टू ब्रिटिश स्किन के लिए है। और अभी इसने मीडियम कवरेज दिया आप देख सकते हैं, बट अगर आप और ज्यादा कवरेज चाहते हैं तो आप एक लेयर और अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा पानी अगर अप्लाई करेंगे इस तरह से तो ये थोड़ा सा फेड हो सकता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इससे मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।